सच साहस सरोकार। कर्नाटक के दावणगेरे में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक, सुरक्षा घेरा तोड़कर पास तक पहुंचा शख्स हिरासत में लिया गया, पूछताछ जारी है। कर्नाटक के दावणगेरे में पीएम मोदी का कांग्रेस परिवार बोले कांग्रेस अध्यक्ष के घर में भाजपा ने मेयर का चुनाव जीत लिया। अमित शाह ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया लेकिन गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर किया हमला, बोली अडानी की शेल कंपनियों में किसका पैसा लगा है। ओएसी का केंद्र पर हमला, कहा अमृतपाल पर यूएपीए क्यों नहीं लगाया जा रहा जबकि इतने हथियार बरामद हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस खास कार्यक्रम का यह 99वां एपिसोड है। सूत्रों के मुताबिक इस कार्यक्रम में पीएम जिले के मछुआरों से बातचीत कर उनकी समस्या सुन सकते हैं, साथ ही वह चैत्र नवरात्रि पर भी कुछ बोल सकते हैं। इससे पहले पीएम ने आमजन को अपने विचार साझा करने और सामाजिक परिवर्तन लाने वाले मोटिवेशनल प्रयासों को उजागर करने के लिए आमंत्रित किया था। बता दें कि हर महीने के आखिरी रविवार को पीएम मोदी इस कार्यक्रम के जरिए देश से संवाद करते हैं। बुलंदशहर में प्रभारी मंत्री अरुण कुमार के सामने वरिष्ठ प्रवक्ता की पत्नी रोने लगी। बता दें कि महिला एबीसीए पर लगे करप्शन के आरोप की जांच महिला के पति करने गए थे, जिस पर महिला एबीएसए ने जांच करने गए महिला के पति पर छेड़छाड़ का आरोप लगा रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसको लेकर पीड़ित दलित महिला का दावा है कि महिला एबीएसए ने उनके पति को झूठे आरोप में फंसाया है। तो वहीं इंसाफ नहीं मिलने पर दलित महिला ने मंत्री के सामने रोते हुए न्याय की गुहार लगाई है। मेरा नाम गीता है और मैं जिले कुमार की पत्नी हूँ। वो डाइट में प्रवक्ता के पद पर हैं। वो गुलाबी ब्लॉक की बी और ईशा शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच में गए थे, तो वहाँ पर उनके खिलाफ ही उसने छेड़छाड़ का मुकदमा दायर कर दिया। और हम किसी भी जगह जाते हैं, डीएम के पास जाए या एसएसपी सर के पास जाए, तो वो हमें आश्वासन तो दे देते हैं लेकिन निष्पक्ष जाँच नहीं हो रही है। जाँच कमेटी भी बिठाई गई है लेकिन वहाँ भी हमें कोई न्याय नहीं मिला है। हरदोई में मंझला थाना क्षेत्र के पारा में हुए डबल मर्डर में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसको पुलिस ने जवाबी फायरिंग में पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया है। इस दौरान एक महिला रक्षक भी घायल हुआ है। आपको बता दें वहीं पुलिस ने घायल को इलाज के लिए शाहबाद CSC में भर्ती कराया है, जहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद आरोपी को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। बता दें कि घायल आरक्षी की हालत स्थिर है। पुलिस ने 315 बोर तमंचा, 2 खोखा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। ये दिनांक 22 मार्च को ग्राम पारा के 2 व्यक्तियों की हत्या की गई थी थाना मझला में। उसमें 10 लोग नामजद हुए थे। विवेचना से उसमें कुछ और नाम प्रकाश में आए हैं। आज पुलिस द्वारा उनमें से 4 नामजद लोगों को अरेस्ट किया गया है। पूछताछ से मिली सूचना और मुखबिरों की सूचना के आधार पर शाम को सूचना मिली कि एक अन्य नामजद व्यक्ति कल्लू, और जो कि पारा गांव का रहने वाला है, वो कहीं भागने की फिराक में है। पुलिस द्वारा उसको थाना मझला क्षेत्र में ही घेराबंदी की गई, जिस पर उसने पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने आत्मरक्षा में जॉली फायर किया और हिम्मत अमली से उसे गिरफ्तार कर लिया।
गाजियाबाद में मसूरी थाना क्षेत्र के ग्राम नवारसी में किसी बात को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई थी और देखते ही देखते कहासुनी हिंसक रूप में तब्दील हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर जानलेवा हमला करते हुए पथराव और फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मुकदमे में वांछित 5 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। कल दिनांक 24 मार्च को थाना मसूरी क्षेत्र में दोपहर करीब 1 बजे एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें ग्राम ढबारसी में दो पक्षों के बीच में विवाद होने की सूचना थी। पुलिस ने तुरंत ही मौके पर जाके घटनास्थल का निरीक्षण किया और बहुत ही गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। इसमें जो 20 अभियुक्त फरार थे उनमें से 5 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बचे हुए जो है अभियुक्त उनके लिए टीमें रवाना है और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश सरकार के 1 साल पूरे होने पर विकास भवन सभागार में खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रयासों और परिणामों को प्रदर्शित करती हुई पुस्तिका सुशासन विकास रोजगार डबल इंजन की सरकार और पोस्टर का विमोचन किया गया। वहीं इस मौके पर प्रेस वार्ता में सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश रोज नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री विधि एवं न्याय विभाग ने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन की सरकार जनता से किए गए वादों एवं संकल्पों को पूरा कर रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की दूसरे कार्यकाल की 1 साल पूरे होने पर आज योगी सरकार ने क्या विकास कार्य उत्तर प्रदेश में क्या योजनाएं, कितने लोग लाभान्वित हुए, कितना पैसा खर्च हुआ है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रोड सड़क स्कूल बिजली पानी नाली तरंगा और तमाम कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके बारे में आपको याद किया गया। मैं एक लाइन में कह सकता हूँ कि ये विकास युक्त और भ्रष्टाचार मुक्त मैं इसको शीर्षक दूंगा। योगी सरकार ने अपना 1 साल का मुखर्जी देखा जो यहाँ पर दिया है। गरीब कल्याण योजना में 15 करोड़ आम गरीबों को राशन देने का काम निरंतर चल रहा है। कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो कभी उत्तर प्रदेश को बिल्कुल बीमारू राज्य कहा जाता था और गुंडागर्दी भ्रष्टाचार ये परिभाषा उत्तर प्रदेश की होती थी और उत्तर प्रदेश की पहचान बाहर के प्रांतों में जब कोई व्यक्ति जाता था तो उत्तर प्रदेश के लोगों को बड़े अपमान के तरीके से देखा जाता था। लेकिन आज कह सकते हैं एक उत्तम प्रदेश उत्तर प्रदेश बन रहा है। हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। ग्लोबल समिट यहाँ हो रही है, कितने दुनिया के देश इन्वेस्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और मैं समझता हूँ कि आज किसानों की चिंता करने का काम भी सबसे ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। आगरा में साइबर फ्रॉड के अंतर्राष्ट्रीय मामले का खुलासा हुआ है। बता दें कि साइबर ठग कॉल सेंटर बनाकर अमेरिका में फ्रॉड कर रहे थे और अमेरिकी नागरिकों को अपना निशाना बनाते थे, साथ ही अमेरिकियों से उनकी ही भाषा में बात करते थे, जिसके चलते ठग अब तक करोड़ों का फ्रॉड कर चुके हैं। पूरे मामले में पुलिस ने 7 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके सारे जो भी कार्यवाही है, जो भी इनके पास लैपटॉप और कंप्यूटर थे, उन सबको पुलिस ने विधिवत नियमानुसार लंबे समय के एक रेड में जब्त किया है और उनके बाद इनके ऊपर मुकदमा लिखा गया है। पुलिस ने इसकी सूचना ये यूएस एम्बेसी को भी दी है और ये डाटा हमने यूएस के साथ शेयर किया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो जितने लोगों को कॉल किए हैं उनके साथ जो फ्रॉड हुआ है उनका वो डाटा लेकर वहाँ पे वहाँ की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उनका जांच करके वो हमें रिप्लाई करेगी, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य होगा और ये किस ट्यून में ये फ्रॉड कर रहे हैं ये पता चल पाएगा। अलीगढ़ में थाना टप्पल क्षेत्र के गांव सालपुर में दबंगों ने एक दलित युवक की बेरहमी से पिटाई की, तो वहीं दलित परिवार के लोग दबंग जाटों की दहशत के चलते अपने मकानों पर यह मकान बिकाऊ है लिख पलायन को मजबूर हो गए। जानकारी के मुताबिक साइकिल पर सवार दलित युवक घर से मजदूरी के लिए जा रहा था, उसी दौरान जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने वाले दबंग जाटों ने दलित युवक की साइकिल में
टक्कर मारते हुए साइकिल को तोड़ दिया और बेरहमी से मारपीट की। जाटों के द्वारा दलित युवक के साथ की गई मारपीट के बाद पीड़ित परिवार के लोग थाने पहुंचे और पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए शिकायत दी। उसके बाद क्या कार्रवाई की? सर साहब हमसे तहरीर ले ली एक लिख करके, हमने उनसे कहा, बोले अब इसकी जांच करने के बाद में इसे जीडी में चढ़ाएंगे और जीडी में चढ़ाएंगे जब उसकी नकल देंगे आपको। हमारी वो जो एप्लीकेशन जो प्रार्थना पत्र हमने दिया था उसको रिसीव भी नहीं किया था, और डॉक्टरी वाक्टरी के लिए कोई नहीं उन्होंने हमारी वो करी। उसके बाद उन्होंने यहाँ पुलिस भेजी, पुलिस को मोनू नाम के लड़के को उठा के ले गए, उठाने के बाद में शाम को उसे जमानत पे। बुलंदशहर के तहसील दिबाई क्षेत्र में स्थित त्रिवेणी शुगर मिल ग्राउंड में शांतिवीर सामाजिक संस्था के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें अलग अलग जनपदों से छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया, जहां विजेता खिलाड़ियों को उचित इनाम और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चौथा इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर शुरू हो गया है। बता दें कि फेयर पूरे साल अलग अलग शहरों में आयोजित होता है, तो वहीं इस फेयर में करीब 15 राज्यों के और 8 देशों के विक्रेताओं ने अपने स्टॉल लगाए हैं, जिनमें हैंडीक्राफ्ट, फर्नीचर, लाइफ स्टाइल समेत कई प्रोडक्ट मौजूद हैं। ये मेगा ट्रेड फेयर 24 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। आपको बता दें कार्यक्रम व्यापार के जबरदस्त अवसर प्रदान करता है। इस मेले के माध्यम से बड़े उद्यमियों के साथ छोटे उद्यमियों को भी वैश्विक मंच प्राप्त होता है। मुझे मेगा फेयर के लिए, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ लखनऊ में, और ये 24 तारीख से लेके 2 तारीख तक, अप्रैल तक ये शो चलेगा, दोपहर को 2 बजे से रात को 10 बजे। और यहाँ पे बहुत अच्छी सी हैंडलूम, कपड़े की, ज्वेलरी, किचनवेयर, सब टाइप की स्टॉल्स यहाँ पे हैं। और मैं इंडिया का फर्स्ट ज्वेलर हूँ जो 9 कैरेट गोल्ड लेके आया हूँ। जैसे 18 कैरेट होता है, 22 कैरेट होता है, जो मैं 2014 में मैं ये 9 कैरेट लेके आया हूँ। रियल डायमंड ज्वेलरी स्टार्ट फ्रॉम 5000 with the lab certificate. So please welcome to see our show. और बहुत ब्यूटीफुल चेन लेके आए सोने की, जो अब अनबिलीवेबल प्राइस है 7000 में सोने की चेन। रायबरेली में भदोखर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सई नदी पुल के पास स्थित रेलवे लाइन पर देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक घायल अवस्था में रेलवे ट्रैक की दोनों पटरियों के बीच में पड़ा मिला, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।